सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्री फायर खेलते समय नेविगेशन बटन को ऑफ कैसे करें। जी हाँ गाइस, आज की वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि फ्री फायर खेलते समय नेविगेशन का जो बटन रहता है, जिसमें से हम अपने फोन को कंट्रोल करते हैं, मतलब कि बैक करते हैं, होम करते हैं, मिनिमाइज करते हैं, तो उन बटन को लॉक कैसे करें, मतलब कि उसको हाइड कैसे करें। जैसा कि अभी यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल देख सकते हो, मैं गेम खेल रहा हूँ और अचानक से जो नेविगेशन का बटन है वो स्क्रीन में आ जाता है और वैसे में गेम जो है वो रिस्टार्ट हो जाता है या कभी कभी बंद भी हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि नेविगेशन बटन को ऑफ कैसे करते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अगर आपको भी फ्री फायर खेलते समय नेविगेशन बटन का प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखो। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नया रहे हो तो पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि मैं आपको और भी ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस देता रहूं। तो चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। सो अभी के इस वीडियो में सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नेविगेशन बटन क्या होते हैं और ये फ्री फायर खेलते समय क्यों आते हैं, फिर उसके बाद आपको मैं इसके सॉल्यूशन बताऊंगा। और इस वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद मैं आपसे 100% बोल सकता हूँ ये जो नेविगेशन बटन वाला प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं एक नहीं बल्कि तीन तीन सॉल्यूशन बताने वाला हूं, जिससे 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व हो ही जाएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नेविगेशन बटन क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस बटन को नेविगेशन बटन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको बैक करने का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर होम करने का बटन रहता है और यहाँ पर एक मिनिमाइज करने का बटन रहता है, जिससे हम अपने फोन को कंट्रोल करते हैं। और ये जो बटन है ये फ्री फायर खेलते समय इसीलिए आ जाता है क्योंकि जैसे हम फ्री फायर में कुछ भी मूवमेंट करते हैं, कुछ भी एक्टिविटी करते हैं, तो स्क्रीन इधर उधर डोलता है, मतलब कि स्क्रॉल होता है और भी मूवमेंट होता है, जिसकी वजह से ये जो बटन है वो स्क्रीन में दिखने लगते हैं और गलती से हमारा फिंगर जो है इसमें टैप हो जाएगा, तो वैसे में गेम जो है वो बैक हो जाता है, रिस्टार्ट हो जाता है, तो इसमें हमें बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। तो अभी गाइस आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि नेविगेशन बटन क्या होता है और ये फ्री फायर खेलते समय क्यों आ जाता है। अभी हम जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या क्या है। तो हमारा जो पहला नंबर का सॉल्यूशन है वो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है, लेकिन ये सभी फोन में वर्क नहीं करेगा, इसलिए आपको मैं तीन सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो हमारा पहला सॉल्यूशन में आपको क्या करना है, ये जो नेविगेशन बटन है इसको आपको बंद करके जो साइड जेस्टर होता है उसको आपको यूज करना है। जैसे कि किसी किसी फोन में क्या होता है, यहां पर जो नेविगेशन बटन है इसको हम ऑफ कर लेते हैं और यहां पर जो बैक करने का बटन रहता है और जो मिनिमाइज करने का बटन रहता है, होम करने का बटन रहता है, वो सभी जेस्टर से यूज होता है। मतलब कि अगर आप यहां पर लेफ्ट वाला स्क्रॉल करोगे तो वैसे हम बैक कर सकते हो, और यहां पर अगर आप ऊपर का साइड स्क्रॉल करते हो तो वैसे हम मिनिमाइज आ जाएगा, और भी अलग अलग टाइप के जेस्टर होते हैं। तो अगर आपके फोन में जेस्टर दिए हैं जिससे आप अपने फोन को कंट्रोल कर सकते हो, तो वैसे में इस प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हो और उसके बाद फ्री फायर खेलते समय नेविगेशन बटन का कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा। तो इस सॉल्यूशन को यूज करने के लिए आपको सिंपल से अपने फोन के सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर सर्च के ऑप्शन में आपको लिखना है नेविगेशन बटन, फिर यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आएगा, आपको सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जेस्टर वाला ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपका फोन कोई दूसरा कंपनी का है तो आपको अपने फोन की सेटिंग में ही ढूंढना पड़ेगा, और ये जो जेस्टर है वो लगभग सभी फोन में आजकल के देते हैं। तो अगर आपके फोन में साइड जेस्टर वाला फीचर है तो वैसे में आप इसको यूज करो और नेविगेशन बटन को बंद करो। तो अभी गाइस हम बात करते हैं हमारे दूसरे नंबर के सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारा जो दूसरा नंबर का सॉल्यूशन कुछ ऐसा है कि आपको अपने फोन के नेविगेशन बटन को लॉक करना है, मतलब कि उसको हाइड करना है एक तरीके से। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने फोन के सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहाँ पर आपको लिखना है नेविगेशन बटन, फिर यहाँ पर आपको नेविगेशन बटन वाला ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आपको सिंपल से इसको ओपन करना है। अब देखिए, यहाँ पर पहला वाला जो आपको मैं ट्रिक बताया हूँ, दूसरा वाला जो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ, मतलब दोनों का सॉल्यूशन बता रहा हूँ, इसमें आपको अपने फोन के सेटिंग को अच्छे से जानना होगा, समझना होगा, तभी आप इस सेटिंग को यूज कर सकते हो। क्योंकि सभी फोन में अलग अलग ऑप्शन होते हैं, अलग अलग सेटिंग होते हैं, तो वैसे में अगर मैं आपको अपने फोन के बारे में बताऊंगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो आपको खुद से सेटिंग को देखना होगा, ऑप्शन को पढ़ना होगा, हिंदी में आपको जानना होगा, और जो भी जेस्टर वाले सेटिंग है उसको आप ऑन या ऑफ करके देखो, वैसे में आपको पता चल जाएगा कि आपके फोन में वो वाला सेटिंग है या नहीं। तो आपको क्या करना है, सिंपल से अपने फोन के सेटिंग एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर सर्च में नेविगेशन बटन को लिखना है। यहाँ पर नेविगेशन बटन वाला ऑप्शन आ जाएगा, उसके अंदर आपको जाकर देखना है कि नेविगेशन बटन को हाइड करने का ऑप्शन दिया है या नहीं दिया है, या फिर लॉक करने का ऑप्शन है या नहीं। अगर नहीं है तो आपको क्या करना है, सिंपल से सर्च करना है नेविगेशन बटन हाइड या फिर नेविगेशन बटन लॉक, वैसे में कोई ऑप्शन आ रहा है तो उसके अंदर जाना है, फिर आपको सेटिंग को देखना है कि वो है या नहीं। तो ये हो गया हमारा दूसरा सॉल्यूशन। तो हमारा दूसरा सॉल्यूशन में गाइस आपको जो भी सेटिंग में आपको बताया हूं, मतलब नेविगेशन बटन को हाइड करना है, उसको लॉक करना है, तो ये सेटिंग आपके फोन में होगा तभी इसको आप लॉक कर सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो कि किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद हम लॉक कर सकते हैं, तो वैसा नहीं होता, जो आपके फोन में पहले से सेटिंग है उसी को आप यूज करके इसको लॉक कर सकते हो। और इसे मैं भी नहीं बता सकता क्योंकि मेरे पास जो फोन है हो सकता है आपके पास नहीं हो, तो आपको इसको खुद से ढूंढना पड़ेगा, आपको खुद से इसको जानना पड़ेगा कि क्या क्या सेटिंग आपके फोन के अंदर में है, फिर आप इसको यूज कर सकते हो। तो अभी गाइस हम बात करते हैं हमारे तीसरे नंबर के सॉल्यूशन के बारे में। तो ये जो सॉल्यूशन है सभी फोन के लिए वर्क करने वाला है, मतलब कोई भी ऐसा फोन नहीं बचेगा जिसमें वर्क नहीं करेगा, सभी फोन में वर्क करेगा, और इसको पर्सनली मैं भी यूज करता हूं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके फोन में गेस्टर वाला फीचर है तो आप उसको यूज करो, मतलब कि पहला वाला सॉल्यूशन को यूज करो, उसमें आपको ज्यादा अच्छा से मतलब कंट्रोल कर पाओगे अपने फोन को। अभी हम बात करते हैं तीसरे नंबर के सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारा तीसरा नंबर का जो सॉल्यूशन है उसमें आपको अपने फोन को रोटेट करके पकड़ना होगा। जैसे कि आपको पता होगा हम फ्री फायर खेलते
खेलते हैं तो हमारा जो राइट वाला हैंड रहता है वो रहता है हमारे बैक बटन के साइड, मतलब कि नेविगेशन बटन के साइड, और जो हमारा लेफ्ट वाला हैंड रहता है वो रहता है कैमरा के साइड, मतलब कि फोन को हम बेसिकली इसी तरीके से पकड़ते हैं और ऐसे ही पकड़ के फ्री फायर खेलते हैं। मतलब कि राइट वाला हैंड रहता है वो रहता है नेविगेशन बटन के साइड और जो लेफ्ट वाला हैंड रहता है वो रहता है कैमरे के साइड। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे हम फ्री फायर खेलते रहते हैं तो हमारा जो मूवमेंट करने वाला साइड रहता है ना वो हमेशा राइट साइड का रहता है, मतलब कि हम राइट साइड से मूवमेंट करते हैं। ये वाला जो लेफ्ट वाला एरिया रहता है ये कंट्रोल करने का रहता है, बटन रहता है, लेकिन हमारा जो राइट वाला एरिया रहता है वहां पर स्पेस रहता है जिसमें हम मूवमेंट करते हैं, मतलब कि लेफ्ट वाले साइड में कोई भी मूवमेंट नहीं करते, हम राइट वाले साइड में ही स्क्रीन को इधर उधर ऊपर नीचे मतलब सब साइड घुमाते हैं, तो राइट वाले साइड से ही हम फ्री फायर में मूवमेंट करते हैं। तो वैसे में हम जैसे भी मूवमेंट करते हैं, स्क्रॉल करते हैं, स्क्रीन को ऊपर नीचे करते हैं, तो वैसे में क्या होता है जो नेविगेशन बटन रहता है वो तुरंत स्क्रीन में आ जाता है। लेकिन अगर आप अपने फोन को रोटेट कर देते हो तो वैसे में जो कैमरा वाला भाग रहेगा वो आ जाएगा आपके राइट हैंड के साइड और जो बैक करने वाला बटन रहेगा वो आपके फोन के चला जाएगा लेफ्ट हैंड के साइड। तो इस तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको मैं पूरा जानकारी दे दिया कि नेविगेशन बटन को कैसे ऑफ करते हैं, कैसे लॉक करते हैं, इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, पूरी जानकारी वीडियो में दे दिया। तो अगर इस आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो लेट्स सी गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।